आज हम दाल के पीठा बनाने वाले हैं। देखिए, एक कप चना दाल है, इसको 4 घंटा हम फुला लिए हैं, भिंगो के रखे हुए हैं 4 घंटा, ऐसा हो गया है। देखिए, ये 4 हरी मिर्ची है और लहसुन है। देखिए, लहसुन है, लहसुन के कलियाँ ले लिए, 10 10 है। अब इसको हम लोग पीस लिए हैं अदेदारा सा। अब इसमें हल्दी डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक नमक डाल के इसको मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिला के अब फिलिंग बना लेंगे। आटा है, 1/2 kg है। अब इसको हम लोग पकाते हैं। गर्म हो गया है और इसमें पानी डाल देते हैं, फ्लेम तेज करते हैं। गरम हो जाएगा ना, खोलने लगेगा पानी उसमें। तभी चावल के आटा को डालो। इसको पानी खोल गया है ना, इसमें डाल देते हैं आटा को, इसमें पकाएंगे। इस तरह से पकाएंगे। अब हो गया है, पक गया है आटा। अब इसको निकालते मल के गूथ लेंगे। देखिए, इस तरह से सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा। इस तरह से मुलायम होना चाहिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से इसको हम लोग भर लेंगे। लंबा पीठा को गोल भी बनता है। देखिए दोस्तों, हो गया है। अब हम इस पीठा को ऐसे एक एक करके सबको डाल देंगे और 5 मिनट इसको पकाएंगे। इसको थोड़ा सा हिला डुला देते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे ऐसे थाली से ढक के। देखिए दोस्तों, हो गया है, पीठा तैयार है। अब हम लोग निकालते हैं इसको। देखिए, इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। पानी में सब ऊपर ऊपर तैरने लगता है। ऐसे करके एक करके निकाल लेंगे। इस तरह से काटते हैं और देखिए, टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।